जैसा मैं अभी आपसे कह रहा था कि साहित्य पढ़ने में मेरी बचपन से रुचि थी और उसका कारण थी मेरी माँ और मेरे नाना। उनकी वजह से वो काफी पुस्तकें पढ़ते थे, ज्यादातर धार्मिक पुस्तकें होती थी, माँ कुछ उपन्यास वगैरह पढ़ा करती थी। लेकिन मेरी धीरे धीरे रुचि उनको पढ़ते पढ़ते आधुनिक साहित्य में होने लगी, जो जो मैं आगे अपनी शिक्षा में पढ़ता चला गया। और उन्हीं दिनों में थोड़ा बहुत कविता इत्यादि लिखना भी शुरू किया मैंने, लेकिन वो एक जैसे बचपन में होता है शौकिया किस्म से था। पर मैं उस समय भी पढ़ता बहुत था, लगभग मैंने सारा जैनेन्द्र, सारा प्रेमचंद, सारा गेज, बंकिम, रविन्द्र, शरद, ये सब मैंने अपनी मेट्रिकुलेशन से पहले पढ़ लिया। इस तरह की रुचि मेरी उसमें थी। उसके बाद जब लिखना शुरू किया तो वो सीरियसली तो एमए करने के बाद शुरू किया, तब तक मैं पढ़ता ही रहा था, ज्यादा था शौक से कभी कभी लिखता था, कुछ उर्दू गजलें वगैरह भी उस दौर में मैंने लिखी। और उन्हीं नौ में एक पुस्तक मैंने अज्ञेय की कविताओं पर लिखी, अज्ञेय की कीर्षा के नाम से, वो काफी मकबूल हुई, लोगों को बहुत पसंद आई। और उसी के माध्यम उस समय तक मैं अज्ञेय से नहीं मिला था, उसके बाद मेरा परिचय उनसे हुआ, उनके संपर्क में भी आया और फिर लगातार कविताएं, आलोचना, नाटक, सामाजिक चिंतन से संबंधित किताबें, अहिंसा, गांधी थॉट इत्यादि से संबंधित पुस्तकें, करीब 60 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। और कुछ अनुवाद भी मैंने किए, कुछ संपादन का काम भी किया, तो इस तरह से कुल मिलाकर के वो अभी तक चलता आ रहा है। और लगभग मैं समझता हूँ कि एक फिक्शन को छोड़ करके बाकी सभी विधाओं में काम। देखिए, सर्वाधिक रुचि तो मेरी कविता में रही, पढ़ता मैं सभी चीजें रहा हूँ, सभी विधाओं में पढ़ता रहा हूँ, काफी पढ़ता रहा हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो संतोष मिलता है वो कविता में मिलता है और फिर नाटक में। ये दो ऐसी विधाएं हैं जिनमें मैं, मतलब जिसे आप क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं, वो मैंने की। आलोचना जो मैंने लिखी, जो काफी लिखी है, लेकिन वो किसी न किसी दबाव में, किसी की मांग पर, किसी सेमिनार में कुछ बोलने के लिए या किसी लेखक के बारे में कुछ हो रहा है तो कुछ अपनी तरफ से कहने के लिए। पर आलोचना भी मैंने वही लिखी है जब मुझे अच्छा लगता है कोई लेखक तो उसके बारे में लिखता हूँ, कोई कृति अच्छी लगती है तो उसके बारे में लिखता हूँ। सामान्य जिसे आप एक प्रोफेशनल आलोचना कहते हैं वैसी नहीं करता हूँ, साधारण किताबें आलोचना जैसे भी हैं। पर सर्वाधिक रुचि मेरी कविता और नाटक लिखने में रही। देखिए, ये दोनों विधाएं मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए, क्योंकि सभी जो विधाओं में लिखते हैं अलग अलग लोग, उनको वैसा अपनी विधाओं के बारे में लगता होगा। कविता मुझे अपने अंदर जाने का अवसर ज्यादा देती है और शायद मेरे लिए एक तरह से साहित्य, मैं पढ़ता सब कुछ और दूसरे विचारों को भी समझता हूँ, लेकिन मेरे लिए वो एक मेरी एक आंतरिक यात्रा है। और क्योंकि वो मेरी आंतरिक यात्रा है, इसलिए उसमें कविता मुझे सर्वाधिक मदद करती है अपने को समझने में और एक तरह से मैं कहूँ तो अपनी डिस्कवरी करने में, जिसे हम एक संवेदनात्मक साक्षात्कार कहते हैं, स्वयं अपना ही। और जब मैं वो करता हूँ तो जाहिर है कि वो मनुष्य मात्र का होता है, वो बहुत उसको निजी, एकदम निजी नहीं मानना चाहिए, पर क्योंकि मैं अपने निजी एक्सपीरियंस के आधार पे करता हूँ तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने को समझने में मुझे मदद करती है। और नाटक मेरे मन के सारे द्वंद्वों को और मनुष्य के मन के सारे द्वंद्वों को मेरे सामने प्रकट करता है। तो मुझे ये लगता है कि इस तरह से नाटक एक दूसरी मेरी मांग की पूर्ति करता है और कविता एक दूसरे मांग की पूर्ति करती है। ऐसा नहीं कि कविता में बाकी चीजें नहीं हो सकती है, कि नाटक में दूसरी नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। पर मेरा जो रुझान इन दोनों के अंदर है वो इन्हीं कारणों से है। और अगर आप मेरी कविताएं देखेंगे तो अधिकांश कविताएं, मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसी कविताएं होंगी जिन्हें आप सीधे सीधे सामाजिक विषयों के बारे में या सामाजिक अंतर्वस्तु के बारे में कह सकें, या ऐसा क्या है जो समाज नहीं है, लेकिन ज्यादातर वे मेरे या मनुष्य के अंतर को समझने की कोशिश करती है और उसकी अपनी जो समस्याएं हैं, जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, उनको समझने की कोशिश नाटक करता है। ये मुख्यतः इन दो विधाओं में ज्यादा रुचि का कारण ये रहा है। और शायद दूसरा कारण ये भी रहा है कि मैं विवरणों में ज्यादा मेरी रुचि नहीं रहती है। तो अगर मैं कथा लिखूंगा, उपन्यास लिखूंगा, तो उसमें बहुत से विवरणों में मुझे जाना पड़ता है और मुझे लगता है कि वो उसकी आवश्यकता नहीं है। आप बहुत संकेत में जिस बात को कह सकते हैं या समझ सकते हैं, वो कविता वो अवसर आपको अधिक देती है।